Conflicts की कुछ और टाइप्स uh, में से एक टाइप इंट्रा इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की भी है इसमें इस टाइप में, इस में आपको जिस सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है वो वो है जबकि मुख्तलिफ अफराद के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट uh, होती है और वो उसका ताल्लुक उनकी पर्सनैलिटी टाइप से होता है यानी डायरेक्टली जब आप इंटरपर्सनल आप स्किल्स सेट डिफरेंट हों अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा ग्रुप बना दिया है जिसमें से के कुछ लोगों की खास आदत हैं और उसमें से एक या दो ऐसे अफराद हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट जिनकी पर्सनालिटी टाइप है दे डोंट रियली वांट टू बी टॉकेटिव और दे आर नॉट ओपनिंग अप और दे जस्ट वॉन्ट टू रोम अबाउट आउटसाइड ऑल द टाइम एंड द अदर ग्रुप इज जस्ट यू नो नॉट लाइक दैम सो इस तरह की जो डिफरेंसेज हैं जो डायरेक्ट आपकी पर्सनैलिटी टाइप में एक्जिस्ट करते हैं और जो ग्रुप मेम्बर्स में नुमायाँ होते हैं एक हाथ से ज्यादा अगरचे किस, किसी ना किसी हद तक तो हर एक की पर्सनैलिटी फर्क है लेकिन अगर उनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर उसमें ग्रेजुअली वो डिफरेंसेज बढ़ते बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं So, this is a very natural and normal thing, again, I would say, and it's a natural occurrence. And it can eventually help in personal growth or developing relations with others. The only thing is that if you could just, you know, inculcate that kind of culture in your organization, just ki aap ye message den, aur ye ek convey aur aur role modeling ke zariye se aap ye karke ke every human being is different and you need to accept the personality of that human being and particularly adults mein jab aap organizations mein jaate hein, to, to what an extent you can really change your personalities, that's a question mark. सो so, इसमें फिर आपको एक्सेप्टेंस लेवल और थ्रेश अगर बढ़ता है तो आप ह्यूमन साइकी को और ह्यूमन बींग्स को डिफरेंट तरह से अंडरस्टैंड भी करते हो और आपका अपना एक्सपीरियंस ज्यादा से ज़्यादा रिच होता चला जाता है इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट uh, वो होती है इट विद इन एन इंडिविजुअल जब एक इंसान के अपने अंदर कोई कशमकश हो रही है तो उस वक्त जो उस, एक, उस वो कशमकश का सामना कर रहा होता है जो कि उसकी अपनी अंदरूनी ख्यालात, उसके जहन के पस मंजर में चलने वाली सोचों की वजह से लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से उसकी खास तरह की अपनी पर्सनैलिटी की वजह से उसके बिलीफ की वजह से उसकी उस क्वालिफिकेशन की वजह से जिसके तहत कि वो समझ रहा है कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन में मिस फिट हैं उन सब एक पर्सनल एक व्यू पॉइंट के बायस जो एक कॉन्फ्लिक्ट वकूफ़ पजीर होती है जो कि उसके अपने अंदर है उस वक्त अगरचे वो इर्द गिर्द आपको ऑर्गेनाइजेशन में बाहिर देखने को नहीं मिलेगी इसको हम इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं दिस इज नॉर्मली इट्स साइकोलॉजिकल फैक्टर मोर देन द क्वालिफिकेशन इन अदर डेथ इट्स मोर टू डील विद द साइकी Of that human being. It involves individuals' thoughts, values, principles, and emotions mostly, and inability to read inner struggles can make it quite difficult to handle. अगर आप एक और भी टेंडेंसी होती है इफ यू आर फ्रस्ट्रेटेड अबाउट सर्टन सिनेरियो एंड यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द रियलिटी यू आर नॉट फेसिंग द रियलिटी और आप उस फ्रस्ट्रेशन की वजह कोई और पॉइंट्स पे डालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट जो है आपकी इंटरनल वो कभी भी एड्रेस नहीं होगी तो फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन यू नीड टू बी अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ बल्कि आप दूसरों के बारे में भी रिफ्लेक्शन करें कि इफ दैट पर्सन इज जस्ट बिहेविंग लाइक दिस हाउ टू हेल्प दैट पर्सन सो यू शुड बी एबल टू रीड द इनर स्ट्रगल्स जो कि एक एज ए एज एमन बींग आप खुद कर रहे हैं या एक कोई दूसरे फर्द को आप करते हुए देख रहे हैं यू नीड टू यू मेन जस्ट गो एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू दैट इंडिविजुअल इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट एक इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट है जबकि एक ग्रुप बन गया है इट हैपन्स अमंग इंडिविजुअल्स विद इन वन टीम जबकि एक टीम है एक ही ग्रुप है उसी के मेंबर्स के दौरान में उसी के आपस में अगर चपकले शुरू हो जाए तो उसको हम इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं रिमेंबर कि ग्रुप की फॉर्मेशन में या टीम की फॉर्मेशन में एक फॉर्मिंग की स्टेज के बाद स्टॉमिंग की स्टेज आती है जिसमें कि उनमें आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का होना एक नॉर्मल नेचुरल फिनमिना है लेकिन उस उस वाली स्टेज से उनको नेक्स्ट स्टेज पे ले जाना जिसको कि नॉमिंग कहते हैं वहां तक पहुंचाने के लिए स्टॉमिंग के स्टेज को मैनेज करना बहुत जरूरी है अगर आप उसको प्रॉपरली नहीं कर सके जिसमें के रोल्स को डिफाइन करना जो आप डिस्क्रिप्शन को क्लैरिटी के साथ बताना उनके लिए लाइन ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप करना फ्लो चार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन डेवलप करना इट्स मोर टू डील विद द प्रोसीजरल पार्ट ऑल दो इट मे हैव समा लिंक्स विद योर पर्सनल यू नो ट्रेड्स एट्रीब्यूट पर्सनैलिटी टाइप एज वेल if you could work on these lines you can manage this kind of uh, conflict too last but not the least is the type which we call intergroup conflict it is uh, between different among different groups or different team members within an organization interests different. conflict ki a varied set of goals and targets different क्लैशिंग किस्म की डेडलाइंस हो सकती हैं जिसके अंदर के रिसोर्स शेयर्ड हैं या इन्फॉर्मेशन शेयर्ड है या फिर अप्रोच जहाँ से कि एक अप्रूवल मिलनी है वो शेयर्ड है जिसकी वजह से कि काम डिले हो रहा है तो इसमें एक रेस लग जाती है कि कौन आगे निकल पाता है या उन्हें लगता है कि इस ग्रुप की वजह से हमारा काम इफेक्ट तो नहीं हो रहा सो एंड देर और इन रिसोर्स और द बाउंड्री सेट बाई ग्रुप टू अदर्स विच इस्टेबलिशेज देयर ओन आइडेंटिटी एज अ टीम सो so, इस तरह की भी जो चपकलश है या एक फ्रिक्शन है वो ऑर्गेनाइजेशंस में अक्सर देखने को मिलती है तो एज अ सीनियर मैनेजर जो कि ऑर्गेनोग्राम में सेंट्रल पोजीशन पे हैं उनका ये उस वक्त रोल इंतहाई अहम होता है कि वो ग्रुप्स के रोल्स को उनके जॉब डिस्क्रिप्शन को और उनके टास्क को कितने बेहतर तरीके से डिफ़ाइन करें डेड लाइन अन नहीं हों डिमांड्स अनरियलिस्टिक्स नहीं नहीं होंसपेक्टेशन बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशस ना हों कि जो अचीव करना नामुमकिन हो